फ्लाइट का कोई पता नहीं है, हो सकता है डिले हो जाए। ये जी चेक करें हमारी पैकिंग हल्की आंच पे। मुझे लग रहा है तुम लोग न्यू ईयर इधर ही गुजार के जाओगे। अरे क्या मतलब फ्लाइट कंफर्म हो गई है? अब वाकई मैं 2 महीने के लिए जा रही हूँ, मैंने 2 महीने नहीं आना। ओके बाय 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 बाय। हो सकता है हमें कल की पकड़नी पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अल्लाह करे मिल जाए और चले जाए हम लोग। फाइनली हमारा हो गया, लेट हो गए तो बच गए, बचत हो गई। ये भाई दुबई में एंटर हुए हैं और ये देखो जी ये कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। नाश्ता बनाने का टाइम नहीं है, आज हमारी फ्लाइट थी तो मैंने नानचे ने मंगवाए अभी, सो अभी वो नीचे गए हैं। पहले सारा टाइम सो रहे थे और मैं करी थी पैकिंग क्योंकि हम लोगों ने जाना है और जाना हमारा ट्रेवल जो है वो एक्सटेंड करते करते मतलब डिफरेंट कंट्रीज को विजिट करते करते तकरीबन 30 दिन का हो ही जाएगा। और जो चीजें मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल थी, सूट केसेस थे, वो सब मैंने मंगा लिए, वो चीजें कर ली। मेरी हेल्पर भी आज आ गई तो मैं बड़ी खुश हूँ। सफाई वफाई देखें चल रही है, यहाँ पे आधा कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ पे सारा ही कचरा पड़ा हुआ है और झाड़ू झाड़ू यहाँ पड़ी हुई है। और ये मेरी बाजी जो है यहाँ काम कर रही है, हाय। और ये मेरे सूटकेसेस तैयार आके देखे, छोनू मोनू टोनू तीनों उन्होंने रखे हुए हैं। ये मेरे सूटकेसेस पैक होने के, हमारा खैर उम्रे का बॉक्स रेडी हो रहा है जिसमें अहराम बैग्स और अभी मेरे हिजाब्स और अबायाज और फ्रॉक्स जो इस तरह की लॉन्ग लॉन्ग चीजें हैं वो मैं इसमें रखूंगी। और ये अरीब का सारा जो है वो डब्बा रेडी करा दिया, 2 जूते निकलवा लिए हैं। मेरे जूते जनाब मिल नहीं रहे हैं, आधी चीजें मेरी मम्मा की तरफ है, वो मैं वहां पे जाऊंगी निकालूंगी चीजें करूंगी। और अभी कितना काम रह गया हमारा होने वाला, इतने दिनों से आप नहीं आ रही थी तो मैं अकेली कर नहीं पा रही थी। फ्लाइट का कोई पता नहीं है, हो सकता है डिले हो जाए, तो क्योंकि मौसम जो है वो थोड़ा सा फोगी फोगी है। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। अगर आप लोगों ने मेरा दिन मजीद बेस्ट बनाना है तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल, शेयर माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो आप लोगों से मुलाकात होती है, अभी चलते हैं नाश्ता वाश्ता वो करते हैं और बाकी की चीजें समेटते हैं। लेट्स गो। क्या हुआ मेरे जूते नहीं मिल रहे? यहाँ मैंने सारे जूते रखे हुए थे, ये देखें, ये मेरा कचरा मंडी का एक कमरा है। मैंने यहाँ पे काफी सारी चीजों का ढेर लगा के रखा हुआ है। जब तक ये कमरा वार्डरोब में कन्वर्ट नहीं होता तब तक शूज ऐसे जुड़ते हैं, यहीं से यूज करते हैं, यहीं से चप्पल पहनते हैं। ये हमारी जो वॉशरूम की वार्डरोब है, डब्बे मेरे सारे इधर पड़े हुए हैं, जो मैंने ट्रिप का सामान हो जाता है ये पड़े हुए हैं। अब ये ले जाके अब सूटकेस में फिक्स करते हैं। ये हमारे व्हाइट जूते जाएंगे। डड़ाक 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 डड़ाक। हाय अल्लाह, ये फोटो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी है, मेरी इतनी प्यारी पिक्चर थी, अभी मैंने प्लेस की है, बाकी सारी सेटिंग वेटिंग आके करूंगी लेकिन ये पिक्चर मेरी बहुत फेवरेट है। ये जी चेक करें हमारी पैकिंग हल्की आंच पे। A few moments later, गरीब साहब नाश्ता ले आए थे जिसको भी मैंने सेट करके रखा है, लस्सी भी साथ लेके आए। यू नो कि मुझे लस्सी बहुत पसंद है, लस्सी, चने, सैलेड, रायता एंड नान। अभी ऊपर लेके चलती हूँ, करते हैं नाश्ता। चलें जी, मैं ले आई हूँ नाश्ता सारा, अभी अरीब साहब नाश्ता करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? मैं अभी आया हूँ नाश्ता लेके, मैडम ने मुझे भेजा था नाश्ता लेके आओ, पैकिंग कर नहीं रहे हो, नाश्ता लेके आओ। नाश्ता लेके आया हूँ बाहर से, तो हम नान चने खाएंगे, नान चने खाने का दिल चाह रहा हमारा। अब मैं बताता हूँ, बाहर हर एक ग्रुप में एक बंदा होता है जो कैमरा खोल के ऐसे बैठा होता है, चले जी अब ये, फिर बंदा जो दूसरा साथ वाला बंदा होता है जैसा, वो नाश्ते को इस तरह देख रहा होता मेरे जैसा ही नाश्ते का सर। मैं दी ब्लॉगर हूँ और मैं सब दिखाती हूँ। ओके दी ब्लॉगर, ओके दी ब्लॉगर। पैकिंग हो गई है हमारी, पैकिंग वो देखे, अभी बिखरा पड़ा सामान सारा, अभी वो हो रहा है। ब्लॉगर इसका चम्मच कहाँ पे है? चम्मच नहीं लाई होंगी है। अच्छा, इतनी आपने मेरी चीज पर डाउट किया, आपको क्या लगता है? मुझे सब पता है वैसे, सब पता ठीक है, पैकिंग वगैरह हो गई है, हमने निकल लिया। और आपने छोटू प्लेट के नीचे बड़ी प्लेट क्यों रखी है? ये मैं आपके लिए डाल रहा हूँ। ओह थैंक यू, ये मैंने अभी बोल दिया। अब सैलेड है, साथ में दही है, साथ में अंडा ठंडा, नाश्ता वाश्ता करते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। चलें जी, हमने नाश्ता वाश्ता कर लिया था और अब चूंकि ऊपर पैकिंग वैकिंग भी हो गई है और हमारी हेल्पर भी हो गई है फ्री, बिल्कुल इनको छोड़ना है हम लोगों ने घर। और रीप साहब लॉक शॉक लगा के निकलने लगे हैं, चले चले चले, लेट्स गो लेट्स गो। हम लोग जा कहाँ रहे हैं? अरीब के सिर्फ जूते ले रही नहीं, मैं भी जा रही हूँ मम्मी की तरफ, मम्मी से मिलना भी है, सबसे मिलना भी है और अपना वहाँ पे मेरा कुछ सामान पड़ा हुआ है वो भी लेना है, ताकि मैं पैकिंग के जो डब्बे खुले हुए उन सब में वापस रखूँ। सीट बेल्ट किसने नहीं पहनी, क्योंकि गाड़ी बहुत शोर मचा रही है।
यार और दिल चलें जी चलें जी देखें मामा पापा के घर के पास। चलें जी हम पहुंच गए अपनी अम्मा के घर पे, लेट्स गो होते हैं इन पीन। ये देखो जरा मेरी सारी बहनों की सेल लगी सेल लगी सेल लगी, सब हीटर के आगे बैठी है मम्मी एज यूजुअल कॉफी। एक कुड़ी अभी आके बैठेगी, ये देखो नींद से चांद चेहरा। मोटे में जा रहा हूँ आज चार दिन से, जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ जा रहे। नहीं नहीं तुम बाबू भैया की तरफ से जा रहे, किसका जा रहे? मुझे लग रहा है तुम लोग न्यू ईयर इधर ही गुजार के जाओगे। हमारी फ्लाइट से डिले हुई जा रही है, क्या करें अभी। आज का क्या सीनरी? आज के अभी कंफर्म कर रहे हैं 99% है कि डिले हो गई है, 1% है कि भी वो कंफर्म कर रहे हैं। यार अरीब मैं आपको जब भी फोन पे देखती हूँ आप मुझे कभी कोई अच्छी न्यूज भी दे दिया करो यार। मैं हमेशा पहले 28 को थी, 29 को ही, 29 का 30 को कर रहे हैं। टाइम तो करो ना, 1% चांस है क्या अभी हो जाए। लेकिन वही ना, मैं अपना काम तो कम्प्लीट करूँ ना पूरा का पूरा। लेट्स गो होते हैं और अपनी चीजें निकालते हैं। तो गाइस हमने काफी सारा सामान है, मेरी बहन जो है ना वो पता नहीं कहाँ कहाँ से सामान उठा के ला रही है। अरे क्या मतलब फ्लाइट कंफर्म हो गई है? ये सही है, सुस्त होके बैठो। चले वहां जाके कि 4 घंटे और फ्लाइट लेट है। ये लेट हुआ सही, फिर अरीब को मैं पूछूंगी जितने बाजड़ मुझे डाली हुई है, मैं बहुत स्पीड में। फिर ऐसा करना सामान रख के वापस आ जाना और चीजें लेने। चलो बातें कर दो, जा रही है 2 महीने के लिए। अरीब अभी बाय बाय नहीं, अभी मुझे चीजें करना। अब वाकई मैं 2 महीने के लिए जा रही हूँ, मैंने 2 महीने नहीं आना। ठीक है जल्दी जल्दी करो, जल्दी बड़ी 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 पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अंकल से बात हो गई है, ओके बाय 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 बाय। बहुत जल्दी में मिल रही हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अगर ज्यादा टाइम होता हर कंट्री से तुम्हारे लिए चुतर लेकर आऊंगी। ठीक है, आई एम सो मच इन हरी हरी साहब देखा। थप्पड़ फाइक पड़ेंगे यार, ये क्या कर रही है? थैंक यू। अरे अल्लाह मैं बहुत जल्दी में है यार। देखो ओके मम्मी बाय, लव यू, अपना ख्याल रखना, लव यू टू। देखो जरा मम्मी का बाय बाय। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस, अब हम लोग निकलने लगे हैं फटाफट मुश्किलों से। बहुत बुरा हाल हो गया, आज आ गए सब लोग आ चुके हैं और यहाँ पे सब सामान रखा जा रहा है। जल्दी 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 पूरे आ जाए। जितनी बुरी तरह हम दोनों निकले हैं ना, ये साद और रूबी बता सकते हैं क्या हुआ हमारे साथ। भाई मैं ऊपर गया हूँ, इनकी पैकिंग नहीं आई हुई। वो पासपोर्ट ढूंढ रही है, वो आईडी कार्ड ढूंढ रहा है, कोई लैपटॉप का। और हमें लग रहा था कि फ्लाइट कल होगी, हम बहुत चिल चल रहे थे। बहुत बुरा हाल, हम इस तरह से था कि मैं उठाऊं 10 बजे तो मैंने कहा कि चलो 11 बजे वही फ्लाइट है, वो डिले का मैसेज आया हुआ। ठीक है, मैं कहा चलो 1-2 घंटा और सोए थे, वो 1-2 घंटा मैंने 4 घंटे लगाए फिर लगा के सो गए, फिर लंबा सो गए। बहुत बुरा हाल हुआ ब्रो, जिस तरह हम निकले हमें आईडिया। और अभी भी चांसेस हैं, 90% चांसेस हैं कि वी आर गॉन फिनिश्ड। ओ शिट, हमारा हनीमून भी गया, हनीमून तो बढ़ गया। अब हो सकता है हमें कल की पकड़नी पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो देखते भी जाके पता चलता, अल्लाह करे मिल जाए और चले जाए हम लोग। नहीं वो रूप का है, प्राइवेट जेट एक। रूप बड़ी अमीर है भाई। हाँ भैया। तो गाइस एयरपोर्ट हम लोग पहुंच गए हैं, बहुत ज्यादा रश है, जाके अंदर मिलते हैं। और इकरा की भी तबीयत खराब हो रही है, क्या हुआ हंसरी वागे से? चेक करो जरा, यहाँ पे सामान सामान निकाला जा रहा है, ये देखें। और मुझे ठंड लग रही है बहुत जोरों की, हमारे को 500 बैग है। ये देखो जी अरीब साहब ऐसे जा रहे हैं जैसे पता नहीं क्या, ओए होए 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 होए, बहुत वजनी था बहुत वजनी था। तो अब हम लोग जो है वो वेट कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं इस वक्त। वो देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई यहाँ पे, साथ साथ कॉल के, पता नहीं हमें फ्लाइट मिलती है या नहीं क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। चलें जी फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, बोर्डिंग शोर्डिंग हो गई है, रीसा भी करा रहे हैं, दक्की भाई भी हैं। शुक्र है बंद नहीं हुआ था, हमें लगा ये बंद हो गया, बट हम लोग टाइम पे पहुँच गए। बोर्डिंग पास हमारे हाथ में आ चुकी है, हमारा हो गया, लेट हो गए तो बचत होगी। चलें जी गाइस फाइनली हम लोग जो हैं वो फाइनली पहुंच गए हैं प्लेन में, जिसका कोई 2 दिन से इंतज़ार कर रहे थे। अब वो घड़ी आ गई है कि जहाज़ में ही हैं हम, से पहुंच गए आखिरकार। बहुत भूख लग रही है, निकलते हैं, लेट्स गो होते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। सीधा निकलने लगे हैं यहाँ से दुबई, सब एडजस्ट हो गए यहाँ पे। एक तो सॉरी है, नींद नहीं पूरी हुई पता लग रहा है। नींद नहीं पूरी किसी की, क्यों नींद नहीं पूरी हुई? थक गए। और ये तो कॉफी क्या वो फोन पे
अपनी चीजें देख रहे हैं। चले, मैं एडिटिंग कर रहा हूं व्लॉग की अभी। हाँ, प्लेन में बैठ के। हाँ, बस ये देखें कितने साथ कितने पाबंद है व्लॉगिंग के मामले में। जहाज में बैठे सफर एंजॉय करने के लिए एडिट कर रहे और यहाँ पे भी नींद पूरी की जा रही है सुकून से। फाइनली वो टाइम आ गया जिसका सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे। इसको देखो इतनी भूख लगी हुई है, बस खाने में मसरूफ है। नान चने किसने पुप्पो ने खाए हैं, चले झूठे। मैंने बना के टेबल रखी, मैं तो सो गई थी, अभी मैं उठी हूँ और खाना आ गया है। मटर और कीमा है, चावल और साथ में आलू टाइप्स कुछ चीज़ें हैं साथ में ही है। बस अब खाते हैं खाना शाना, फिर सीधा पहुँचते हैं। फ्लाइट में बैठने में प्यारे प्यारे बच्चे मिले हैं। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? ढूंढते ढूंढते हमें कैसे आप लोगों ने सीट पे पहचाना है, कहाँ से? यहाँ रश था तो मैं बोर भी हो रही थी, मैंने कहा देखूंगा हो क्या रहा है। यहाँ पे तो दोनों बैठे दुबई की रोशनियाँ नजर आना शुरू हो गई है। सारी नींदे साध ने, अरीब ने, सब ने। मैं तो कोशिश पूरी कर रहा हूँ सोने की, सबसे ज्यादा ये सोई है। हाँ मैं सोई हूँ, मेरा गला इतना खराब हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ सोने की। कर रहे हैं, सो जाए, अभी लैंड करने वाला, फिर आपको जगा देंगे। ये भाई दुबई में एंटर हुए हैं और ये देखो जी, ये कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। मुझे लग रहा है इन सबके बीच में समंदर है और वो पीछे वो है ना सी के अंदर, समंदर के ऊपर से हम लोग गुजर रहे हैं। और ये जी जी हमें पता है, आप नीचे उतारे फिर उतरेंगे। हमारी लैंडिंग हो चुकी है। सात को तो देखो जल्दी 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 जाते हुए, इंतजार नहीं हो रहा। चलो चलो चलो, एक तो फ्लाइट इतनी डिले करते हैं, ऊपर से इतनी देर से प्लेन में खड़े हुए हैं, लोगों ने निकाला भी बहुत देर से। सो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, अब अपना बैगेज क्लेम करना है जिसको 4 घंटे लगे हमको पैक करने में, वो क्लेम भी तो करना है ना। यहाँ पे हमारा सामान है, एक पैक आ गया, इसका भी उन्होंने टायर तोड़ दिया यार। हमारे 1 2 3 4 5 ये देखो 3 बैग, ये 2 बैग उधर, बाकी के बैग इधर, और अब हम लोग निकलने लगे हैं। जितनी मुश्किल से सामान उठा के लेके आए हैं, गाड़ी हमारी आ चुकी है, सारा सामान जैसे पाकिस्तान से उठाया था वैसे अब वापस रखा जा रहा है। और ये सब लोग बैठे देख ऐसे रहे हैं जैसे सामान में कोई हेरा फेरी होने लगी है। चले जी गाइस बैठ चुके हैं गाड़ी में, गाड़ी काफी ऐसे लग रहा है जैसे 5 कनाल का घर हो। सही है, यहाँ पे आपको पका भी सकते हो, खा भी सकते हो, धो के घर में इतनी स्पेस होती है। हाँ इतनी होती है, देखो ऐसे डांस करो यहाँ पे। यहाँ पे सामान क्या, सूट केस 4-5 और मुझे लगता है लाने चाहिए थे। दिखाई जा रही हो ना गंदी वाली है। ये देखे गाइस मैं आपको इसकी स्टोरी सुनाती हूँ, बाथरूम चप्पल पहना है दुबई हनीमून टूर पे, चेक करें जरा इसको। इससे सामान लेकर आया उस हिसाब से ये चप्पल पहना है वॉशरूम की भूल के, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है ये देख। निकले होटल को, लेकिन पता है जहाँ पे हम आए यहाँ पे कोई देखता भी नहीं है। वो तो एयरपोर्ट में पहन के आया, मैं तो शादियों में भी चप्पलें पहन के आया। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पे किसी ने नोटिस ही नहीं किया। आपने चप्पल से कह रहा आप लोगों के निकाह पे, आप लोगों के निकाह पे मैं चप्पल पहन गया इतनी जल्दी में। अब हम यहाँ से सीधा जाएंगे होटल, लगी हुई है बहुत ज्यादा भूख क्योंकि प्लेन में खाना नहीं सही से खाया था, तो अब जाके देखते हैं कि हम क्या खाते हैं। A few moments later. हम लोग होटल गए हैं जी, हम अपने होटल की लॉबी में आ गए। यहाँ सारा क्रिसमस की वजह से सजा हुआ, एक्स मैक्स ट्री भी है जी। ये लोग शिफ्ट हो रहे हैं अपने कमरे में और हाय, और हम लोग यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं अपने कमरे में जो कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा अभी। जी गाइस ये है हमारा कमरा और ये देखो जी हमारे छोटू मोटू सोटू लोटू 1 2 3 4 5 6 कोई 50-500 बैग इधर आए। ये हमारा कमरा, यहाँ से देखते हैं कमरे का व्यू क्या है। ओए होए होए कितना मज़े का व्यू आया है देर में, ओए ना ही सामने कोई सुबह, इधर पिक्चर्स बहुत अच्छी आएंगी इस व्यू के साथ। और अब चूंकि हमको लगी है बहुत ज़्यादा भूख, थोड़ा फ्रेश फ्रेश होएंगे और फिर चलते हैं खाना खाने क्योंकि भूख से बुरी हालत हो रही है। साद और अरूप भी फ्रेश हो रहे हैं, अरीब भी फ्रेश होने लगे और मैं भी फ्रेश होती हूँ, फिर हम लोग निकलते हैं कुछ खाने के लिए। चलें जी हम लोग हो गए थे फ्रेश और जा रहे हैं खाना खाने, और जा रहे हैं खाना खाने क्योंकि पेट में नाच रहे हैं इस वक्त, उछल रहे हैं बल्कि चूहे। चलें जी अब टैक्सी मिल चुकी है टाइम से, प्रॉपर गेमिंग जोन मिल गया। आप तो एमिरेट्स में बैठ गए, फ्लाइट ना सही ये सही, टैक्सी एमिरेट्स की मिल गई। चलो कैंडी क्रश और मेरी साइड पे नहीं है।
ऐसे नहीं होगा, नहीं ये वो है ही नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे ना अरीब गेम में नहीं खेलने आते। अरीब, हाँ जी, अगर कैलाश की मंदी खानी है ना तो फिर जगह बता रहे हैं कहाँ पे जाना है। चले जी गाइस, फाइनली हम लोगों को खाना पसंद आ गया। यहाँ आके भी अरीब मैंने नूडल्स मंगवाए हैं, अंडे वाले नूडल्स। मजे के हैं। ये आपने सजेस्ट किया, आपके कहने पे मैंने ये नूडल्स मंगवाए हैं। अच्छे हैं, पर खा के देखते हैं नूडल्स का टेस्ट कैसा है। गरम बहुत गरम यार, इससे अच्छा जब 15 की मैगी ले लें। जैनब जो कोरियन नूडल्स जाती है मजे के तो वो होते हैं। इस नहीं लेकिन अच्छे हैं, मैं तो ऐसे जैनब को याद करी थी, मजे का। हम खाना जाना खाते हैं। चलो जी गाइस, हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था, अब आ गए हैं वापस अपने होटल और लिफ्ट में जा रहे हैं ऊपर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो, आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा। हाँ, कल क्या प्लान भाई? कल हैवी कुछ प्लान करेंगे, कहीं जाएंगे घूमने। कल बड़ा हैवी कुछ प्लान करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग से मेरी मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। बस रखा, ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।